सियासी घमासान के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव से महाराष्ट्र की जनता को किया संबोधित। इस्तीफे के सवाल पर बोले, मेरे सामने आइए, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। ठीक है, चला म्यूट। तो महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सीएम ठाकरे और शरद पवार के बीच अहम बैठक, करीब एक घंटे तक दोनों नेताओं के बीच महामंथन। सूत्रों के हवाले से खबर, पवार ने शिंदे को सीएम बनाने की सलाह दी। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन, मुंबई में वर्षा भवन के सामने शिव सैनिकों की नारेबाजी। दूसरी तरफ शिंदे के गढ़ थाने में शिंदे समर्थन में रैली पोस्टरों में लिखा गया, वी सपोर्ट एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बुलाई एनसीपी विधायकों की बैठक। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा, सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है, शिंदे को मना लिया जाएगा, बगावत शिवसेना का अंदरूनी मामला। देखिए, अभी वो उनका अंदरूनी मामला है और अभी भी जो है जो लोग इधर उधर गए हैं उन्होंने गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं निकाला है। बगावत के बीच शिवसेना विधायक नितिन देशमुख एकनाथ शिंदे के गुट से बाहर निकले। गुवाहाटी जाने के बजाय नितिन देशमुख सूरत से नागपुर पहुंचे। कहा, मुझे तो जबरदस्ती बंधक बनाकर रखा गया था। वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया, ऐसा संदेश दिया, लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच दिल्ली में महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी महासचिव सीटी रवि, बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम को देखते हुए बैठक अहम मानी जा रही है। उद्धव ठाकरे के संकट पर आरपीआई नेता और केंद्रीय मंत्री आठवाले ने कविता के जरिए साधा निशाना। कहा, शिंदे ने बंद करवा दिए उद्धव के सभी धंधे। जिन्होंने उद्धव ठाकरे जी के राजनीति के बंद कर दिए धंधे, उनका नाम है एकनाथ शिंदे। बिहार में अग्निपथ पर सियासत जारी है। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में विधायकों ने विधानसभा से राजभवन तक मार्च निकाला, अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग की। ये सरकार रोजगार देने आई थी, ये छीनने आई है, और चार साल बाद नौजवान क्या करेंगे, और जिनका केवल ज्वाइनिंग ही बाकी रह गया था उनको फिर से जो है प्रोसेस जो है वो पूरा करना पड़ेगा। ये तो भद्दा मजाक है, अग्निपथ स्कीम को किसी भी हालत में वापस लेना ही होगा। राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के खिलाफ आज फिर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आज जंतर मंतर की जगह कांग्रेस दफ्तर पर ही दिया गया धरना। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहे, आज राहुल से पूछताछ नहीं हुई थी। नेशनल हेराल्ड धांधली केस में हुए हैं 5 बार सवाल जवाब। कांग्रेस के सत्याग्रह में 5 दिन की ईडी की पूछताछ को लेकर बोले राहुल, मुझसे पूछताछ करने वाले थक गए लेकिन मैं नहीं थका। कांग्रेस पार्टी को दबाया नहीं जा सकता है। कह देना था, कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं। अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर निशाना। कहा, सेना के साथ धोखा कर रही है सरकार। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग को लेकर अब कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। 27 जून को देश भर में हर विधानसभा में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक ईडी की पूछताछ के लिए सोनिया गांधी ने 3 हफ्तों की मोहलत मांगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मध्य जुलाई तक नहीं होगी राहुल से पूछताछ। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब से दूसरे दिन ईडी की पूछताछ। कल भी ईडी अधिकारियों ने अनिल परब से करीब 11 घंटे पूछताछ की थी। अनिल परब पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। कल यूपी की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। 2019 में दोनों सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। अखिलेश और आजम ने सीट छोड़ी है, इसलिए हो रहे हैं उपचुनाव। बीजेपी ने अब की बार जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई। 26 तारीख को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। राष्ट्रपति उम्मीदवार
द्रौपदी मुर्मू का जीतना लगभग तय। नीतीश कुमार वाली पार्टी जेडीयू भी करेगी समर्थन। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को बनाया है उम्मीदवार। 25 जुलाई को खत्म हो रहा है मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू को दी गई जेड प्लस सुरक्षा। ओडिशा की बड़ी आदिवासी चेहरा मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। आज उन्होंने रायरंगपुर के शिव मंदिर में पूजा की और परंपरा के मुताबिक झाड़ू लगाकर सफाई की। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, जीत की उम्मीद लेकर मैदान में जेडीयू और बीजेपी से भी करूंगा बात। सबसे बात करेंगे, बीजेपी के लोगों से एक बात करेंगे। जेडीयू से कोई बात हुई है? अभी नहीं हुई है, होगी। असम में बाढ़ के कहर के बीच नगांव पहुंचे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, बाढ़ से पीड़ित लोगों से मुलाकात की। नगांव में चापरमुख रेलवे स्टेशन पर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कैंप बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हालात खराब। कुपवाड़ा में बारिश के बाद हाईवे पर आई बाढ़ में ट्रक फंस गए। त्रेगाम में तो लहरों ने एक पुल को ही तोड़ दिया। खराब मौसम के बीच जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर टूट रहे हैं पहाड़, कई जगह रास्ते बंद। मुगल रोड पर भी लैंडस्लाइड ने रास्ता रोका, रास्ते खोलने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। अमरनाथ गुफा के पास 3 दिन से बर्फ बरस रही है। करीब 7 साल में पहली बार जून महीने में ऐसा मौसम हुआ है। बिहार के कई शहरों में मॉनसून मेहरबान। नवादा में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में पानी भरा। दिल्ली के शाहदरा पुलिस स्टेशन में सरभिरे ने थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों पर किया चाकू से हमला। 5 पुलिसकर्मी और 1 होमगार्ड घायल, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। बिहार में अग्निपथ पर सियासत जारी है। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में विधायकों ने विधानसभा से राजभवन तक मार्च निकाला, अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग की। ये सरकार रोजगार देने आई थी, ये छीनने आई है, और 4 साल बाद नौजवान क्या करेंगे? और जिनका केवल ज्वाइनिंग ही बाकी रह गया था उनको फिर से जो है प्रोसेस जो है वो पूरा करना पड़ेगा। ये तो भद्दा मजाक है। अग्निपथ स्कीम को किसी भी हालत में वापस लेना ही होगा। राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के खिलाफ आज फिर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आज जंतर मंतर की जगह कांग्रेस दफ्तर पर ही दिया गया धरना। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहे, आज राहुल से पूछताछ नहीं हुई थी। नेशनल हेराल्ड धांधली केस में हुए हैं 5 बार सवाल जवाब। कांग्रेस के सत्याग्रह में 5 दिन की ईडी की पूछताछ को लेकर बोले राहुल, मुझसे पूछताछ करने वाले थक गए लेकिन मैं नहीं थका। कांग्रेस पार्टी को दबाया नहीं जा सकता है। कह देना था कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं। अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, कहा सेना के साथ धोखा कर रही है सरकार। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग को लेकर अब कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। 27 जून को देश भर में हर विधानसभा में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक ईडी की पूछताछ के लिए सोनिया गांधी ने 3 हफ्तों की मोहलत मांगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मध्य जुलाई तक नहीं होगी राहुल से पूछताछ। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब से दूसरे दिन ईडी की पूछताछ। कल भी ईडी अधिकारियों ने अनिल परब से करीब 11 घंटे पूछताछ की थी। अनिल परब पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। कल यूपी की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। 2019 में दोनों सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। अखिलेश और आजम ने सीट छोड़ी है, इसलिए हो रहे हैं उपचुनाव। बीजेपी ने अब की बार जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई। 26 तारीख को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जीतना लगभग तय। नीतीश कुमार वाली पार्टी जेडीयू भी करेगी समर्थन। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को बनाया है उम्मीदवार। 25 जुलाई को खत्म हो रहा है मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल।
एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू को दी गई जेड प्लस सुरक्षा। ओडिशा की बड़ी आदिवासी चेहरा मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। आज उन्होंने रायरंगपुर के शिव मंदिर में पूजा की और परंपरा के मुताबिक झाड़ू लगाकर सफाई की। एनडीए के राष्ट्रपति कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू जीतने पर देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। प्रतिभा पाटिल के बाद इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला होंगी। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, जीत की उम्मीद लेकर मैदान में जेडीयू और बीजेपी से भी करूंगा बात। सबसे बात करेंगे, बीजेपी के लोगों से एक बात करेंगे। जेडीयू से कोई बात हुई है? अभी नहीं हुई है, होगी। बाढ़ में डूबे असम के सिलचर से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। यहां सड़क पर चल रही है नाव, घर बाजार सब डूबे हुए हैं।